स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिनांक 12 जुलाई 2022 को हमारे देश में एक और महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन होने जा रहा है और यह परियोजना है देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका निर्माण झारखंड राज्य के देवघर शहर में किया गया है। और देवघर एयरपोर्ट परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है और इसी के साथ इस हवाई अड्डे से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मई 2018 को रखी गई थी और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 4 सालों का समय लगा और अब इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि देवघर हवाई अड्डे के साथ साथ झारखंड राज्य के अंदर 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इन सभी परियोजनाओं की जानकारी आपके स्क्रीन पर दी जा रही है और यह सभी परियोजनाएं झारखंड राज्य के विकास को और गति देगी। तो अब देवघर एयरपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देवघर एयरपोर्ट को बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका IATA कोड है DGH। इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण देवघर की दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची, मुंबई इत्यादि शहरों से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही इस हवाई अड्डे का रनवे, जिसकी लंबाई 2500 मीटर है, एयरबस A320 और बोइंग 737 को भी लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम है। यानी कि देवघर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का परिचालन भी काफी आसानी से किया जा सकता है और 12 जुलाई 2022 से इस हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट सेवा भी शुरू हो चुकी है। इस हवाई अड्डे का निर्माण देवघर जिले के सिमरा गांव में किया गया है। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 654 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर है। जैसा कि आपको पता है कि देवघर भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटक वैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा काफी आसानी से कर पाएंगे। अतः एयरपोर्ट सुचारू हो जाने के कारण पिलग्रिम टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट सेवा कोलकाता से देवघर के बीच चलाई गई और 25 जुलाई 2022 से दिल्ली से देवघर के बीच भी फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ मिलेगा। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 254 मीटर है। इस हवाई अड्डे का निर्माण उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया गया है। देवघर हवाई अड्डे का टर्मिनल बिल्डिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की रूपरेखा पर बनाया गया है। आपको बता दें कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता 1 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग 43,000 स्क्वायर फीट एरिया में किया गया है और इसका टर्मिनल बिल्डिंग प्रति घंटे लगभग 200 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। परियोजना के अंतर्गत एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जिसको कि ATC टावर के नाम से भी जाना जाता है, दो एयरबस A320s के लिए एक एप्रॉन टैक्सीवेज और एक आइसोलेशन बे का भी निर्माण किया गया है। इसके टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत चेक इन काउंटर्स, कॉन्कोर्स एरिया, एक्सरे मशीन्स एंड सिक्योरिटी चेक एरियास इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि देवघर में ही एम्स का भी निर्माण किया गया है और देवघर एम्स के IPD सेवा का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को ही किया जा रहा है। अतः देवघर एयरपोर्ट बन जाने के कारण दूर दराज के मरीजों को देवघर एम्स भी पहुंचने में आसानी होगी। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत 6 चेक-इन काउंटर और 2 आगमन बेल्ट का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग में 180 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टर्मिनल बिल्डिंग को इको फ्रेंडली बनाया गया है।
देवघर एयरपोर्ट के अंतर्गत बनाए गए रनवे की चौड़ाई 45 मीटर है और देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 401.34 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।